नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है। और इससे पहले वाली जो हमारी क्लास थी ओजोन लेयर के बारे में, आई थिंक आपको वो बातें क्लियर हो गई होंगी। और जो ये दोनों टॉपिक हैं, ये आपस में क्या है, इंटरलिंक्ड है। और इनमें जो हमने मुख्य बातें वही जाननी है, ज़्यादा हमें इसके बारे में ज़्यादा गहन अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं है। तो पढ़ते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि कुछ देशों के अंदर जहाँ बहुत ज़्यादा, यूरोप के देशों के अंदर ठंड पड़ती है, वो जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है या जहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो वहाँ की वनस्पति या पेड़ पौधे या जो उनके वनस्पति है या पेड़ पौधे हैं, वो उतने ज़्यादा ठंडे तापमान में ग्रोथ नहीं करते हैं। तो वहाँ क्या किया जाता है, ग्रीन हाउस बनाया जाता है। क्योंकि जैसे कि यूरोप के देशों में कुछ पेड़ पौधों को लगाने के लिए या उनको ग्रोथ कराने के लिए वो एक कांच का घर बना देते हैं, जिसकी दीवारें किसकी होती है, कांच की होती है, कांच की दीवारें होती है, जिसके अंदर वो क्या लगा देते हैं, वनस्पति लगा देते हैं। चारों तरफ कांच होता है और उसके अंदर क्या लगाते हैं, वो वनस्पति, ताकि जो ठंडा मौसम के कारण, क्योंकि जो सूर्य से धूप निकलती है तो वो सीधी कहाँ पड़ती है, कांच के ऊपर, और कांच के ऊपर आने के बाद कांच है वो किसी भी चीज़ को बाहर हमें बताए जाने नहीं देता है। और हमें ये भी पता है कि हमारी जो CO2 गैस होती है, जो हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर है या ऑक्सीजन है, वो इसको ऑब्जर्व भी करती है। तो इसीलिए जब ऊपर से जो हमारी सूर्य की किरणें आती है तो वो ग्रीन हाउस के अंदर आके एब्जॉर्ब हो जाती है। और यहीं पर वो इसी कारण है जो बाहर की सर्दी है वो इस जो ग्रीन हाउस है इसके अंदर एंटर नहीं कर पाती है, जिसके कारण जो वनस्पतियों को गर्मी या उनको जो चाहिए वो उनको यहाँ से मिल जाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे वातावरण है उसके अंदर CO2, CFC, मीथेन या जो हमारा N2 है, इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा कुछ सालों से बढ़ गई है, जिसके कारण जो हमारा पृथ्वी है, जो हमारी पृथ्वी है, उसने भी किसका रूप ले लिया है, ग्रीन हाउस का इफेक्ट रूप ले लिया है। इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जब इन गैसों की मात्रा हमारे वातावरण के अंदर बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिसमें CO2 है, CH4 है, N2 है, S2 है, या हमारा ये ओजोन लेयर O3 गैस है, जब इनकी ज़्यादा मात्रा बढ़ जाती है तो धरती के ऊपर क्या हो जाता है, असहनीय गर्मी हो जाती है, उसका तापमान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग के नाम से हमें जानते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रीन हाउस जो ये कंसेप्ट था, ये जो फ्रोयर थे यूरोप के, उन्होंने 1827 में इसकी खोज की थी। और मैंने ये बता दिया है कि कुछ यूरोप देशों में जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, वहाँ वनस्पति को पनपने के लिए प्रॉपर सनलाइट नहीं होती, इसलिए वो क्या करते हैं, कांच का घर बना देते हैं और उसके अंदर क्या लगा देते हैं, वनस्पति, जिसके कारण जो सूर्य की किरणें इसमें पड़ती है तो वो बाहर नहीं जाती, और अंदर रहने के कारण जो वनस्पति है उनका तापमान क्या रहता है, सही रहता है कमरे का, जिसके कारण वहाँ वनस्पति है वो ग्रो कर जाती है। और इसको पृथ्वी से इसलिए जोड़ दिया गया क्योंकि हमारी पृथ्वी पिछले कुछ सालों से जो गैसें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और ग्रीन हाउस जो गैसें हैं वो मुख्य रूप से क्या होता है कि पृथ्वी पर जब किरणें आती है, सूर्य की जो किरणें आती है, तो सीधी कहाँ पड़ती है, हमारे पृथ्वी पर पड़ती है। तो हमारे वातावरण के अंदर कुछ गैसें हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोक्साइड है, या ये हमारी जो O3 है, ओजोन गैस है, ये उन गैसों को जो सूर्य की लाइट आती है उनको ऑब्जर्व कर लेती है, यानी कि उनको वापस ऊपर जाने नहीं देती, जो गर्मी होती है उसको ऑब्जर्व कर लेती है और यहाँ रोक लेती है, जिसके कारण हमारा तापमान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सबसे ज़्यादा जो CO2 गैस है वो हमारे वातावरण में है, करीबन यहाँ लिखा भी है कि 49% हमारे वातावरण के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसके कारण जैसे ही सूर्य की किरणें नीचे आती है तो ये जो गैस है वो एक ब्लैंकेट का काम करती है, एक चादर का काम करती है, जिसके कारण वो सूर्य की गर्मी है वो वापस से स्पेस से निकल नहीं पाती है, जिसके कारण पृथ्वी पे जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ तक कि इसको ग्रीन हाउस भी कहते हैं हम, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वो क्या बन जाती है, एक ग्रीन हाउस की तरह गर्म हो जाती है। तो सबसे पहली जो गैस है
और थोड़ा और कंसेप्ट बता दूं कि पिछले 100 सालों में जो बड़ा है तापमान वो 1 डिग्री बड़ा था, जिसके कारण जो ग्लेशियर है वो हमारे पिघलने शुरू हो जाते हैं। कुछ सालों में 1 डिग्री, जब से जो पृथ्वी की 300 या 400 सालों की बात करें तो अब तक 1 डिग्री जो तापमान बढ़ा है। अगर ये 3.6 डिग्री तापमान बढ़ जाता है, माना गया कि 2050 तक अगर इतना तापमान बढ़ जाता है तो आर्कटिक और अंटार्कटिक जो ओशन है, जो महासागर है, ग्लेशियर कैप है, वो क्या हो जाएंगे, पिघल जाएंगे। जैसे पेरिस है, जो हमारा लंदन है, या जो भी हमारे ऐसे देश जो समुद्र के किनारे हैं, तो वो सब पानी में 2050 तक डूब जाएंगे। ऐसा मानना है कि अभी तो 1 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ा है, अगर ये 3.6 2050 तक इसी तरह ये गैसें बढ़ती रही और ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता रहा, तो जो आर्कटिक और अंटार्कटिक हमारे ग्लेशियर हैं, आइस कैप हैं, वो पिघल जाएंगे, और जो इनके किनारे जैसे पेरिस है या सिटी है, जो न्यूटन सिटी है, ये सब क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे पानी के अंदर। उसके बाद देखो, मैंने बता दिया सबसे पहली हमारी गैस कौन सी है, CO2 है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड है वो करीबन हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी है, 49%। ये भी मैंने बता दिया कि सूर्य की किरणें जब धरती पे आती है तो कार्बन डाइऑक्साइड ये वो गैस है जो एक चादर का काम करती है, जो पृथ्वी को पूरी तरह से ढक लेती है और हमारी जो किरणें उनको वापस रिफ्लेक्ट होने नहीं देती और उसको वहीं पे रोक लेती है। 50 से 200 वर्षों तक, यानी कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड एक बार उत्पन्न हो जाए तो वो हमारे जो वातावरण है उसमें 50 से 200 वर्ष तक रहती है, यानी कि वो ख़त्म नहीं होती। एक बार कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाए तो 50 से 200 वर्ष तक वो हमारे वातावरण में घूमती रहती है। और ये गैस निकलती कहाँ से है, कारण हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में तो ये पूछा जाएगा कि CO2 कि कितनी मात्रा है, 49% है, सबसे ज़्यादा हमारे कौन सी गैस है वातावरण में, CO2 है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने वाली सबसे ज़्यादा जिस गैस का योगदान है वो है CO2। ये सबसे पहले व्हीकल्स, जितने भी हमारे साधन हैं, जो दोपहिया चार पहिया वाहन है या बसेज है, इनके अंदर से कौन सी गैस निकलती है, CO2। उसके बाद है डिफॉरेस्टेशन, ये भी एक कारण है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो उनको रहने के लिए घर चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए, तो जैसे ही हम, क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं, CO2 लेते हैं, वो अपने अंदर ऑब्जर्व करते हैं कि CO2 है, वो अपने अंदर इनहेल करते हैं। हम तो CO2 छोड़ते हैं, ह्यूमन बीइंग भी तो इसका कारण है, वो CO2 छोड़ता है और पेड़ पौधे वो CO2 लेते हैं। इसलिए अगर पेड़ पौधे ख़त्म हो जाएंगे तो CO2 की मात्रा है वो बढ़ जाएगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होगा। उसके बाद बिजली घर, जो बिजली घर में बिजली बनाई जाती है उससे भी क्या उत्पन्न होती है हमारी, CO2। फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है उसमें क्या होती है, CO2। फिर है ब्रीथिंग, जो ह्यूमन बीइंग, हम सब जितने भी ह्यूमन बीइंग है, जो हम जब सांस छोड़ते हैं तो हम क्या छोड़ते हैं, CO2, और लेते क्या है, ऑक्सीजन। तो इस प्रकार CO2 बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ कुछ आंकड़े बताए, 1870 से 1970 जब ऑब्जर्व किया गया कि कितनी परसेंट गैस बढ़ी थी, तो 100 सालों में 290 पीपी से 320, यानी के करीबन ये 30% गैस बढ़ी थी। और फिर 1988 में देखा गया तो 350 से 360, यानी के 10% बढ़ी थी। और ऐसा माना गया है कि अगर 2030 तक इसी प्रकार हम डिफॉरेस्टेशन करते रहे, व्हीकल चलाते रहे, फैक्ट्रियां चलती रही और विभिन्न प्रकार की गैसों के ऊपर रोक नहीं लगाया गया, तो ये क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, यानी कि 360 है तो वो 720 के करीबन ये क्या हो जाएगी, गैस पीपी में बढ़ जाएगी। यानी कि ये आंकड़ा है ग्लोबल वार्मिंग का, या जो CO2 गैस है उसके बढ़ने का। ये सबसे ज़्यादा हमारे एटमोसफियर में और ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे पहली और सबसे मुख्य गैस का है CO2 है, ग्लोबल वार्मिंग में। फिर है मीथेन, CH4, जिसका कई बार ये हमसे मॉलिक्यूलर नेम है वो भी पूछ लिया जाता है। तो मीथेन है वो किससे निकलती है, फर्टिलाइजर से,
जो हम पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं या कोयला करते हैं या जैसे लकड़ी वगैरह जलाते हैं, तो उससे क्या निकलती है? मीथेन। वो भी हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी परसेंट है? 25% के करीबन क्या है हमारे एटमॉस्फेयर में मीथेन है। फिर है N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, ये हमारी तीसरी गैस है जो कितनी प्रतिशत है, यानी कि पहले नंबर पे CO2 है। किससे निकलती है मैंने बता दिया, कितने सालों में कितनी बड़ी है वो भी मैंने बता दिया, और अगर इसी प्रकार बढ़ती रही तो ग्लेशियर है वो, अब तक तो एक डिग्री बढ़ा है, अगर 3.6 2050 तक बढ़ जाता है तो जितने भी ग्लेशियर हैं जो बर्फ़ के पहाड़ है वो सब पिघल जाएंगे। उसके बाद हमारी मैंने बता दिया अभी 25% ये है। फिर है CFC, ये अभी हमने पढ़ा है कि ओजोन लेयर को सबसे ज़्यादा नुकसान कौन पहुँचाती है, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है जो, तो ये हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी परसेंट है? 14% है, और लगभग हर 100 साल में कितनी बढ़ती है? 3% बढ़ती है। और ये बढ़ती किसके कारण है? एक तो फ्रिज के कारण, हमने जाना था कि फ्रिज के अंदर जो गैस डलती है वो कौन सी डलती है? CFC। AC के अंदर भी CFC डलती है, गाड़ियों का AC है, घर का AC है, और प्लास्टिक फैक्ट्रियों में किसका प्रयोग किया जाता है? इसी गैस का। और मैंने ये भी बताया था कि कुछ स्प्रे, एयरसोल या परफ्यूम होते हैं जिनके अंदर कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? CFC। जैसे जो भी प्रेशर वाली जो हम परफ्यूम यूज़ करते हैं, आप रूम फ्रेशनर यूज़ करते हैं, सबके अंदर कौन सी गैस होती है? CFC, जिसके कारण क्या होता है? प्रेशर। चाहे एक्सटिंग्यूशर भी है हमारे आग बुझाने वाले, उनमें भी किसका प्रयोग किया जाता है? CFC का। तो इतनी खतरनाक गैस है ये, किसको नुकसान पहुँचाती है? ओजोन लेयर को। और ओजोन लेयर को नुकसान पहुँचेगा तो पराबैंगनी किरणें सीधी धरती पर आएगी, जिसके कारण धरती का तापमान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होगा या हमारी क्या बढ़ेगी? ग्लोबल वार्मिंग। उसके बाद है N2O नाइट्रोक्साइड, अगर ये भी बढ़ती है तो भी हमारे जीवन के लिए क्या है? भयानक है। फिर उसके बाद जल वाष्प H2O यानी कि जल वाष्प है, वो भी एक हमारी ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण है। उसके बाद है जो ये हमारी मीथेन है, मीथेन हमें प्राप्त कहाँ कहाँ से होती है ये मैं आपको थोड़ा बता दूं कि जैसे दलदल है, कीचड़ है, पेट्रोलियम है, मृत पशु है, गोबर है, धान है, इसके अंदर किसका प्रयोग किया जाता है? मीथेन का प्रयोग है किया जाता है, ठीक है, ये आपको पता लग गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो हमारी गैस है इसके इफेक्ट क्या है? अगर बहुत ज़्यादा हमारे वातावरण में ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, यानी कि अगर ये इस प्रकार गैसें बढ़ती रही या हमने इसका कोई तरीका नहीं ढूंढा, इसी प्रकार ओजोन लेयर है वो पतली होती गई, तो क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग। सबसे पहले हमारे धरती पे बहुत ज़्यादा क्या बढ़ जाएगी? गर्मी बढ़ जाएगी, जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। फिर है डिक्रीज क्रॉप, जो फसलें हैं हमारी, फसलें हैं वो भी ख़त्म हो जाएगी। मैंने पहले भी बताया है कि फसलों के लिए टेम्परेचर सामान्य तापमान चाहिए, अगर ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा सर्दी होगी तो जो हम फसल लगाते हैं वो क्या हो जाएगी? ख़राब हो जाएंगी। उसके बाद है मेल्टिंग ग्लेशियर, वो मैंने कारण बता दिया कि ज़्यादा तापमान अगर बढ़ता है तो पहाड़ों के ऊपर जब गर्मी पड़ेगी तो वहाँ के जो ग्लेशियर हैं, आपको बताया कि 97% जो हमारे पानी है वो ग्लेशियर के अंदर है, अगर ये पिघल जाते हैं तो सारी दुनिया पानी के अंदर डूब जाएगी। उसके अलावा तालाब है सूखना, यानी कि जितने भी तालाब हैं, जोड़ हैं, जितने भी नलकूप हैं, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो ये इवेपोरेशन के ज़रिए उनका पानी है वो सूख जाएगा, जिसके कारण हमारे पानी की कमी, हमारे देश में पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद है महासागरों के जल स्तर में वृद्धि, यानी कि जो ग्लेशियर है अगर वो पिघल जाते हैं तो जो बड़े बड़े महासागर हैं जैसे पेरिस में है, UK में है, तो उनके अंदर क्या आ जाएगी? बाढ़ आ जाएगी। उसके बाद है चेंज इन इकोसिस्टम, अपने सुबह ही हमने पढ़ा था इकोसिस्टम, जैसे कि खाद्य श्रृंखला है, जैसे पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो उनकी प्रक्रिया है उस वो या तो बहुत ज़्यादा धीमी हो जाएगी या बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, जिसके कारण है पृथ्वी से वनस्पति है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद देखो एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, जितने भी जंगली जीव हैं
या पशु है, कीड़े मकोड़े हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सब किसके ऊपर चलते हैं, इकोसिस्टम के ऊपर, खाद्य श्रृंखला पर चढ़ते हैं। अगर एक जीव मरेगा तो दूसरा जीव ऑटोमेटिक मर जाएगा। जैसे अगर घास नहीं होगा तो खरगोश है वो, हिरन है वो नहीं रहेंगे, जंगल नहीं रहेंगे तो घर नहीं रहेगा उनका। इसलिए हमारा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है या इकोसिस्टम है वो बिगड़ जाएगा। और इन सब का कारण क्या होगा, ये गैसों का अत्यधिक मात्रा में किसके अंदर होना, हमारे वातावरण के अंदर होना। तो ये गैसेस है, यही हमेशा ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग को क्या देती है, बुलावा देती है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है और अपने दिमाग में इनको बिठा लेना है। यहाँ थोड़ा सा मैंने बताया कि ये गैस है ना, जो मैं बार बार देख रहा हूँ, N2 नाइट्रोक्साइड है, उस वो फर्टिलाइज़र और कोयल के लिए यूज़ होती है। और जो मीथेन है, थोड़ा सा इसमें मैंने बोला है, थोड़ा इसके बारे में बोल दिया लेकिन आप इसको सही कर लेना, मीथेन है वो हमें दलदल से, यानी कि 1% 18% है मीथेन हमारे वातावरण में, और 1% मीथेन अपने आप ही बन जाती है वातावरण में। जैसे दलदल है, कीचड़ है, गोबर है, इनसे जो बदबू निकलती रहती है वो क्या किसकी होती है, मीथेन की होती है। या जो पशु मर जाते हैं, या धान की खेती, या पेट्रोलियम, या जो मल मूत्र है, पेशाब है, उससे क्या निकलती है, हमेशा मीथेन। ये थोड़ा सही करना भाई, यहाँ जो मीथेन है मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया कि फर्टिलाइज़र, ये तो हमारा नाइट्रोक्साइड होती है, तो आप सही कर लेना। और जो मीथेन होती है वो हमारे नेचर में कितनी परसेंट है, 18%, जो 1% तो खुद ही बन जाती है, बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे दलदल है, कीचड़ है, पेट्रोलियम है, या गोबर है, इनसे ये पैदा होती है। या जो मुख्य कारण है मलमूत्र, जो पेशाब वगैरह हम करते हैं, उससे भी क्या निकलती है, मीथेन गैस निकलती है। तो मैंने ये थोड़ा सा आपको समझा दिया कि जब पृथ्वी पे अत्यधिक गर्मी बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे वातावरण में ये गैसेस उपलब्ध है, जब जैसे ही जो किरणें हैं, जो सूर्य किरणें नीचे आती है, तो ये जो गैसेस है ये अपना आवरण एक ब्लैंकेट बना लेती है, ये जो जब वापस किरणें जाती है तो उनको जाने नहीं देती, जिसके कारण हमारे पृथ्वी ग्रह पे क्या बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है। जैसे कि मैंने CO2 के बारे में बताया कि ये पृथ्वी को एक ब्लैंकेट का काम करती है। ब्लैंकेट का मतलब है कि वो एक ढक लेती है, इसको एक चादर की तरह आवरण कर देती है। जैसे मैंने बताया कि ये हमारी पृथ्वी है और ये सूर्य, जैसे ही किरण आती है तो CO2 की अगर मात्रा है तो एक चादर का काम करती है, और इस रेस को वो दोबारा रिफ्लेक्ट नहीं होने देती, जिसके कारण अगर जल का पानी है वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो उसमें रहने वाले जानवर है वो मर जाएंगे, एक्वेटिक लाइफ है वो ख़त्म हो जाएगी, वनस्पति की लाइफ है वो भी जीवन में, क्योंकि पेड़ पौधे हो चाहे इंसान हो, अगर ज़्यादा गर्मी होगी तो उनको कैंसर हो जाएगी। जैसे इसके कारण ओजोन लेयर है वो भी ख़राब हो रही है, आपको पता ही है CFC इनका कारण है, जिसके कारण पृथ्वी में क्या आ जाएगी, बहुत सारी बीमारियां आ जाएगी। इसके अलावा N2O है, इसके कारण भी क्या हो जाती है, ये भारी गैस है, इसके कारण जैसे ही सूर्य लाइट जाती है तो वो भी उसको अब्जॉर्व करने नहीं देती, जिसके कारण ये गर्मी बढ़ा देती है। मीथेन है, जलवाष्प है, हाँ जलवाष्प के बारे में बता देता हूँ। जैसे ही जो समुन्द्र का पानी है उस पर गर्मी पड़ती है तो वो एक इवेपोराइज हो जाता है, यानी कि कणों के रूप में या थोड़ा भाप के रूप में चेंज होता है, और जैसे ही ये भाप के रूप में चेंज होता है तो ये दूसरी गैसों का एक चक्कर बना लेता है, यानी कि दूसरी गैसों को आपस में जोड़ देता है, जैसे CO2, N2O या H2O या हमारी CH4 मिथेन गैस, इनको आपस में मॉलिक्यूल को जोड़ देता है, जिसके कारण जो सूर्य की गर्मी है वो ऊपर जा नहीं पाती, ये एक ब्लैंकेट का काम करता है, और ये आपस में मिलकर इसको रोकते हैं, हमारी सनलाइट को रोक देते हैं, जिसके कारण पृथ्वी पे क्या पैदा हो जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हो जाता है। मैंने इसका भी बता दिया कि ये सबसे ज़्यादा रोकती है, और जलवाष्प का बता दिया कि जैसे ही पानी के कण वो वेपोरेशन होते हैं, यानी कि जलवाष्प होते हैं, तो ये आपस में गैसों को जोड़ देते हैं, जिसके कारण गर्मी है वो ऊपर जा नहीं पाती, और पृथ्वी पे क्या पैदा हो जाती है, ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आपको EVS का क्लियर करा दिया है। इसके अलावा साथियों, इसके इफेक्ट भी हैं, अगर इसका हमें बता दें कि उपाय पूछ लें, तो उपाय यही है कि जो CFC है,
मेन तो CO2 है, जो व्हीकल है उनके ऊपर रोक लगाई जाए, फैक्ट्रियों के ऊपर रोक लगाई जाए, या CFC है मुख्य कारण है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, उसका कम प्रयोग किया जाए, जो बाहर से AC वगैरह आ रहे हैं उन पर रोक लगाई जाए। इसके अलावा एफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ पौधों को लगाने के लिए क्या बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस प्रकार हम इनका इफेक्ट भी है और इनके उपाय भी हम सुझा सकते हैं। तो और साथियों, अगर कुछ रह जाता है तो आप अपने लेवल पे भी ये ज़रूर चीज़ें पढ़ना। मैं ऊपरी तौर पे हर चीज़ इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि एक बार अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बन गई इसके साथ, तो फिर अपने आप डिटेल में आप ये चीज़ें खुद है अपने आप स्टडी कर लोगे। तो साथियों, जारी रहेंगी क्लासें।